नमस्कार, खबर की तहतक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अंबिका भारती और अब समाचार विजयपुर से। विजयपुर के ग्राम गंजन कपुरा जो अपहरण के लिए बदनाम है। ग्राम गंजन कपुरा में सन 1982 में रमेश शिकरवार ने की थी दो लोगों का अपहरण, जिनके नाम मांगीलाल बघेल, जिनकी उम्र लगभग अपहरण के समय 24 साल थी। दूसरा लालपति बघेल, जिनकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी। यह जानकारी ग्रामवासियों के माध्यम से मिली है। यह अपहरण रमेश शिकरवार ने किए थे। फिरौती नहीं मिलने के कारण इन दोनों लोगों की हत्या कर दी गई थी, ऐसा ग्रामवासियों ने बताया है। फिर सन 2001 और 2002 के आसपास एक बार फिर इसी गांव से अपहरण हुआ। उस समय थाना प्रभारी दौरे हुआ करते थे, जिनके प्रयास से उस समय अपहरण करने वालों को थाना प्रभारी दौरे ने वसैया वाली माता के स्थान पर एनकाउंटर कर अपहरणों को मुक्त कराया था, जिसमें छूटने वालों के नाम सतम सिंह बघेल, सुगनलाल बघेल। थाना प्रभारी दौरे के प्रयास से इन अपहरणों को मुक्त कराया गया था। जब मेरे पिता का अपहरण हुआ था, उस समय मेरी उम्र लगभग 8 माह थी। जब मेरे पिता का अपहरण किया गया और उनकी हत्या कर दी गई, ये सारी बातें मुझे मेरी माँ ने बताई थी। उसके बाद फिर 2023 में इसी गांव से एक बार फिर अपहरण हुआ है। इस बार अपहरणकर्ता 15 लाख की डिमांड कर रहे हैं। मेरे पिताजी का नाम मांगीलाल बघेल थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भागीरथ बघेल। क्या हुआ था आपके साथ पहले? पहले सन 1982 की बात है। हाँ। जब मेरे पिता का अपहरण किया था। हाँ। रमेश शिकरवार ने जी, और उनको फिरौती न देने पर उनकी हत्या की गई थी जी। और उस वक्त मेरी उम्र 8 माह की थी। ये किसने बताया आपको? मुझे मेरी माँ ने बताया था। मेरा नाम सियाराम बघेल जी, पूर्व सरपंच। ठीक, क्या हुआ था फर्स्ट में? हम फर्स्ट में दो पकड़ वही। हाँ। दो लोग पकड़ी वही अपहरण किया रमेश डकैत ने। वे पैसे के चक्कर में मारे गए, पैसा नहीं पूछो, गरीब आदमी है साहब। अच्छा, बिना पैसा पाए हम पैसा नहीं पूछा, मारे गए। किन किन लोगों की पकड़ की थी रमेश शिकरवार ने? मांगी लाल बघेल। हाँ। लालपत बघेल गंजनपुरा। ठीक है, पकड़ छुटी फिर आपकी? नहीं, मारी गई साहब। अच्छा, आप रोती नहीं मिलने के कारण? नहीं, हाँ, फिर मिलने के कारण मारी गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर भाई हमारी हमारे गाँव में से पकड़ संतम और सुगल्ला, दोनों पकड़े भाई, दोनों पकड़े, चोर पकड़ के ले गए डकैत बसैया माता के बेड़ में। डकोतने को डकैतने को गिरो, सुगल्लाल पहले बजाओ, संतम रहे वो बाद में। किसने बचाया इनको? जी वो टीआई साहब, क्या नाम है? दोरे टीआई जी, टीआई ने बचाया। अच्छा, उनके प्यासे पकड़े मुक्त हुई थी उस टाइम पे। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद? उसके बाद गैंग मारी गई, भी छूट के चले आए सब। फिर अब उसके बाद में सा फिर अब ती दो पकड़ वही हैं गुड्डा। हाँ। और भरतलाल जी, जी जंगल में मवेशी चरा रहे, साथ खरकाली कर रहे थे, पकड़ के ले गए, मारपीट करी है। गुड्डा की मोबाइल से बात कराई है डकैत ने। कितनी डिमांड की है? 15 लाख रुपए मांगे, 15 लाख रुपए लेके आ जाना उसके घर के लोग। ये भैया हमने पे जेर का बनाने पर आओ, मैं तो लेके आ मैं। ठीक, कोई पता फर्क नहीं है साहब। ठीक है जी, आपके पिताजी का नाम क्या है? अच्छा, कोई आपके पास कोई खबर आई है क्या? आई है। क्या 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 खबर आई है? पैसा लेके कितने लोगों की, कितने लोग पैसों की डिमांड की है, कितनी मांग कर रहे हैं? 15 लाख। अच्छा, ये किसने बताया था आपको? बिनी बतवाई है फोन। अच्छा, आपके पास किसके पास फोन आया था? भाई का नाम क्या है? मल्लू। अच्छा, और कोई और जानकारी मिली है क्या कहीं पे? अच्छा, कब आया था ये फोन आपके पास? 4 बजे। कल 4 बजे आया था। अच्छा अच्छा, इसके बाद कोई संपर्क द्वारा हुआ है क्या आपसे? नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक। हमारे प्रयास की तो जहाँ तक बात है, हम अपनी बात अधिकारियों तक पहुँचा सकते हैं, अधिकारियों से कह सकते हैं, अधिकारियों पर दबाव बना सकते हैं। जिन लोगों की पकड़ हुई है उनके बीच में बैठने आए हैं, उनसे सलाह विचार करने आए हैं, उनके साथ चर्चा करने आए हैं। किसी भी तरह से हमारी प्रायोरिटी जो अपहृत हुए व्यक्ति हैं उनको छुड़ाना है। आप अभी देख के आए होंगे, जो बत्तू जिसको पकड़ा गया है उसकी तो पूरी छत भी नहीं है, माँ अकेली है, बड़ी दुरूह और गरीबी स्थिति है कि उससे अगर कहा जाए कि पैसे दे दो तो कहाँ से दे सकता है।
जहाँ तक रही बात डकैतों के मूवमेंट की, तो पिछले 2-3 महीने से लगातार डकैतों का मूवमेंट पूरे क्षेत्र में बना हुआ है। पकड़ें जिस तरह से की गई हैं, ये पहली बार हुआ है कि पशु चराने वाले लोगों को जंगल से पशु चराते हुए या जहाँ रहते हैं कैटल कैंप बना के वहाँ से पकड़ करके ले गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं तो इसमें पुलिस की निष्क्रियता ही कहूँगा कि लगातार जानकारी मिलने के बाद भी उन पर दबाव बना के अपने क्षेत्र से भगा नहीं सके। वैसे तो पूरे प्रदेश की स्थिति अराजकता की ओर जा रही है। उसका मुख्य कारण प्रशासन का कमिटमेंट जनता के प्रति न होकर के केवल भाजपा के पदाधिकारियों और भाजपा के मंत्रियों के प्रति रह गया है। इस वजह से ये निष्क्रियता और लापरवाही का मुख्य कारण प्रशासन का है कि जवाबदेही अपनी जनता के प्रति मानना भूल गए हैं। मैंने अभी हमारे एडीजी चंबल तो छुट्टी पर गए हुए हैं, एडीजी ग्वालियर से भी चर्चा की है और मैंने कहा है कि तुरंत एक डीआईजी स्तर के अधिकारी का एक कैंप यहाँ लगा के दोनों तीनों जिलों की श्योपुर शिवपुरी और मुरैना की पुलिस के साथ और ग्वालियर की भी ज़रूरत पड़े तो कोऑर्डिनेशन के साथ एक दबाव बनना चाहिए और जल्दी से जल्दी पकड़ छूट के आना चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।